हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फूलगोभी का पकौड़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फूलगोभी लिया है और इसे काट लिया है और ज़्यादा बड़ा बड़ा पीस नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा छोटा रखना है। और इसे अच्छे से भी धो लिया है और यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए चढ़ाया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके बाद फूलगोभी को डाल देंगे और थोड़ा सा बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे। तो ज़्यादा पकाना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आ गया है और फूलगोभी भी बॉयल हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब उसके बाद इसमें बेसन डालेंगे और चावल का आटा डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक देंगे और हल्दी पाउडर और अजवाइन देंगे और थोड़ा सा हींग देंगे। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर देंगे और गरम मसाला। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक डालेंगे और धनिया का पत्ता और ये सभी को मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिलाएंगे। एक बार ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो ये मिक्स हो गया है अच्छे से। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ पे तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और तेल गरम हो गया है। अब इसमें एक एक करके डालेंगे और आंच को मीडियम रखना है। और इसे थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद पलटेंगे। तो ये पक गया है, अब इसे पलट देते हैं और पलटते हुए अच्छे से पकाएंगे। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए दोस्तों, ये पक गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। उसी तरह से दोबारा डालेंगे। तो यहाँ पे इतना बना के रखा है। तो देखिए कितना अच्छा बना है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक तोड़ के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।